टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद सुलझाने को लेकर महिला पुलिस ने की मारपीट, जिसका वीडियो हुआ वायरल। उप निरीक्षक वीरेंद्र त्रिपाठी ने दो महिला पुलिस के साथ जमीनी विवाद सुलझाने के बजाय महिला के घर में मचाया तांडव। महिला को घसीट घसीट कर बेरहमी से की पिटाई। दरअसल मामला प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली के भागीपुर गांव का मामला है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन पहले ही मिशन शक्ति की अभियान शुरू की है, जिसका उद्देश्य है नारी शक्ति, महिलाओं के सम्मान का मिशन है। वही यूपी पुलिस की महिला के साथ प्रवर्ता पुलिस करती दिखाई दे रही है। उसी नारी को, महिला को, उसके घर में घुसकर घसीट घसीट कर पिटाई करती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में आप देखेंगे। दरअसल मामला दो पक्ष के बीच थी, शकीलुद्दीन और दूसरे पक्ष जमील उर्फ शेरू को बीच, यानी जमीन विवाद चल रहा था और सुलझाने के लिए गए हुए थे दरोगा और दो महिला पुलिस। मौके पर पूछताछ के दौरान महिला पे डंडे बरसाने लगे और सीमा और फातिमा दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचते दिखाई दिए। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुनिएगा। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। इसकी जांच शाम 6 बजे तक सीओ रानीगंज को करने के लिए दी गई। सीओ रानीगंज के द्वारा, जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये थाना आता है, ये जांच कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट मुझे सौंप दी गई है। रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं कि भागीपुर गांव, जो थाना रानीगंज में पड़ता है, इसके अंतर्गत प्रथम पक्ष शकीलुद्दीन और द्वितीय पक्ष जमील इत्यादि, इनके बीच में जमीनी विवाद है, जिसमें कुछ साल पहले राजस्व टीम के द्वारा प्रथम पक्ष के फेवर में एक रिपोर्ट दी जा चुकी है। आज दोपहर 12 बजे इसी जमीनी विवाद में की सूचना प्राप्त होने पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, महिला आरक्षी सीमा देवी और पीआरडी जवान कमला देवी के साथ मौके पर गए थे। मौके पर जाने के बाद जब इन्होंने इस विवाद के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू की, इसी दौरान द्वितीय पक्ष की महिला फातिमा उर्फ गुड्डन, ये एग्रेसिव हो गई और इनके द्वारा महिला आरक्षी के साथ बदसलूकी की गई और जो पीआरडी जवान गई थी उनके हाथ में भी दांत से काट लिया गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनके द्वारा इनको ओवरपावर करने की कोशिश की गई और मौके पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी मौजूद थे। इनके द्वारा महिला को पकड़ के खींच के साइड में किया गया। दोनों पीआरडी जवान, दोनों का मेडिकल कराया गया, दोनों को इंजरीज आई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि एक वीडियो कुछ समय पहले का वायरल हुआ था, जिसमें द्वितीय पक्ष के ही लोगों के द्वारा एक दीवार को गिराया गया था। इस संबंध में भी थाना रानीगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।